नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। लॉकडाउन के दौरान नोएडा में एक अस्पताल की बड़ी चूक सामने आई है। नोएडा का फेलिक्स अस्पताल एक कोरोना सेंसिटिव पेशेंट को यमुना एक्सप्रेसवे के समीप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सड़क पर छोड़कर चला गया। कोरोना सेंसिटिव यह पेशेंट 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला हापुड़ निवासी है। आज सुबह ही अस्पताल में आई थी। अस्पताल की एम्बुलेंस द्वारा हापुड़ से यह महिला फेलिक्स अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने इसका मेडिकल परीक्षण कर और एक्सरे कर इसे वापस एम्बुलेंस से नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया, यह कहकर कि वहां क्वारंटाइन सेंटर है और सरकारी अस्पताल है, आप वहां जा कर के इलाज कराओ, उसके बाद हम अपने अस्पताल तुम्हें ले आएंगे। बेचारी भूखी प्यासी बुजुर्ग महिला 1 बजे से 6 बजे तक यूनिवर्सिटी के सामने सड़क पर बैठी रही। यह महिला सुनीता उम्र 65 वर्ष, इनके पति की मृत्यु हो चुकी है जो FCI में कर्मी थे और पैनल पर जिनका इलाज काफी दिनों से अस्पताल में हो रहा था। महिला में कोरोना के संदिग्ध लक्षण मिले तो अस्पताल ने महिला से पल्ला झाड़ लिया और एम्बुलेंस में बिठाकर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सामने सड़क पर छुड़वा दिया। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक कर्मचारी ने धनकौर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने आला अधिकारियों से बात की और पत्रकारों ने भी जिले के DM CMO से बात की। मुख्यमंत्री तक ट्वीट किया गया, तब जाकर कहीं एम्बुलेंस और राहत बचाव के उपाय शुरू हुए। आइए सुने क्या कहती है पीड़ित महिला। आधे घंटे में क्या कह दिया आपने कि घर जाओ कि यहाँ आने के लिए कहा? उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल, वहाँ तुम्हारा इलाज होएगा, वहाँ कोरोना के पेशेंट चेकअप करते हैं, भाई तुम्हारा भी चेक करेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अच्छा, भाई ना हो, भाई लक्षण लग रहे हैं, हल्के हल्के लग रहे हैं वैसे। ये तो उसने कहा कि कोरोना के लक्षण हैं? हाँ जी, हम वो पता है कौन सा ये यूनिवर्सिटी को अस्पताल बोला है वहाँ छोड़ेंगे, वहाँ दो चार दिन रहना, फिर हम तुम्हें यूनिवर्सिटी के अंदर भी अस्पताल है, वहाँ से हम बुला लेंगे। निम्स है इसके अंदर भी? तो आपने देखा और सुना पीड़ित महिला की जुबानी। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को क्वारंटाइन सेंटर के लिए जिला प्रशासन ने चिन्हित किया था, लेकिन आज तक भी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन सेंटर चालू नहीं हुआ है और ना ही इस तरह के वहां कोई उपचार की व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी कोरोना का नाम सुनकर और कोरोना के लक्षण जानकर नोएडा के फेलिक्स अस्पताल ने इतनी बड़ी लापरवाही की है। अस्पताल प्रबंधन ने बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य के साथ जी भर के खिलवाड़ किया है। जब नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को यह पता लगा कि महिला में कोरोना के संदिग्ध लक्षण हैं तो सब गेट बंद कर दूर से तमाशा देखते रहे और बेचारी महिला धूप में भूखी प्यासी बिलखती रही। महिला को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धनकौर कोतवाल रजनेश तिवारी सहित मीडिया कर्मियों ने जिले के आला पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। घंटों तक यह कवायद चलती रही। सभी अधिकारी एक दूसरे पर मामले को टालते रहे। कई घंटे बाद वहां अस्पताल की एम्बुलेंस पहुंची और धनकौर के सरकारी अस्पताल की भी एम्बुलेंस पहुंची। जाकर के महिला को एम्बुलेंस के द्वारा ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में पहुंचाया गया। ये है ग्रेटर नोएडा, नोएडा की चिकित्सा व्यवस्था का हाल। यहाँ कुछ ही दिनों पहले कोरोना के मामले में लापरवाही बरतने पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने नोएडा के जिलाधिकारी को हटा दिया था और इसके अगले दिन ही नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। इसके बावजूद भी नोएडा जैसे जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के समीप कोरोना सेंसिटिव पेशेंट का यह हाल चिंता का विषय है। कोरोना संदिग्ध लक्षण मिलने के बाद महिला को सरेआम सरे रहा सड़क पर छोड़ देना चिकित्सा विभाग ही नहीं नोएडा के फेलिक्स अस्पताल की घोर लापरवाही है। वो तो शुक्र है धनकौर पुलिस का जो मौके पर पहुंची और अस्पताल से लेकर के पुलिस अधिकारियों तक इस मामले की पूरी सूचना दी। तब कहीं जाकर 4 घंटे के बाद दो दो एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, वरना राम ही जाने इस पीड़ित महिला का क्या होता।
काफी देर की जद्दोजहद के बाद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी मौके पर आए। उन्होंने उस इलाके को क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस का वह चालक जो एम्बुलेंस से इस महिला को सड़क के किनारे छोड़कर गया था, अस्पताल प्रबंधन को मिली फटकार के बाद वह मौके पर आया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन सेंटर चलने की जानकारी दी गई थी, लेकिन वह सड़क पर छोड़कर अपना पीछा छुड़ाकर अस्पताल चला गया। इस पूरे मामले की जानकारी ट्विटर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए जाने के बाद जिले भर के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को स्वास्थ्य सुविधा देने की कवायद शुरू की गई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी दो दो एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंच गए और महिला को एम्बुलेंस के द्वारा ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में पहुँचाया है। अस्पताल की लापरवाही पर जिला प्रशासन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ।